हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय चैनल दीप्तिस पैराडाइज। आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मेरा आज का ब्लॉग देखिए, मैं थोड़ी अच्छी हो गई हूँ। फिर भी देखिए, मेरा फेस देखकर आपको पता चल जाएगा कि इतना मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है अभी तक, जो मैं धीरे धीरे रिकवर कर रही हूँ। सर में जैसे चक्कर सा आ रहा है, कभी कुछ काम करने को जी घबरा रहा है, और बैठने पर ही थोड़ा अच्छा लगता है, नहीं तो आंख बंद करके सो जाने का मन करता है। तो घर का काम थोड़ा मुश्किल से हो पा रहा है। 3-4 दिन तो मैं ट्रीटमेंट पर थी, फिर आज थोड़ा सा अच्छा लगा तो आप लोगों के लिए मैं ब्लॉग बना रही हूँ। और थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कुछ भी मुझे मदद कर दीजिए सब्सक्राइब कर। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आएगा, उसको प्रेस कीजिए। प्रेस करने के बाद ऑल ऑप्शन पर जाइए, ऑल ऑप्शन को ही क्लिक करने पर मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। जो भी कुछ अच्छा लग रहा है तो मुझे बताइए, कुछ मुझे ठीक करना है तो वो भी मैसेज मुझे देते रहिएगा प्लीज। और देखिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग कैसा लग रहा है मुझे बताइए। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, और आप लोग कैसे है? और देखिए सुबह सुबह मैं खिड़की खोल रही हूँ मेरे किचन का, तो काम शुरू हो जाएगा। थोड़ी अच्छी फील कर रही हूँ। 4-5 दिन मुझे थोड़ा मेरा सेहत अच्छा नहीं था। अभी बना रहे हैं किचन में जो खाना, तो उसके लिए प्याज, हरी मिर्च, बीन्स, पोटैटो फ्राई होगा, ये कच्चा केला और पालक को मिलाकर मैं एक सब्जी बनाऊँगी मेरे लिए, डॉक्टर ने बोले हैं। और ये दलिया बना रहे हैं, तो इतना सारा वेजिटेबल मैं यहाँ कट करके रखी हूँ। टोमेटो, कॉलीफ्लावर, कैप्सिकम, बीन्स, गाजर, मटर, कुछ भी आप ले सकते हैं, लेकिन मुझे पनीर मना किया गया है। ये पालक, फिर देखिए मैं दलिया बना रही हूँ। दलिया में ऐसा कुछ भी नहीं, जीरा मस्टर्ड थोड़ा डालकर, फिर उसके बाद प्याज, हरी मिर्च ये दे देना है, फिर वेजिटेबल को फ्राई करके पानी और सॉल्ट, ये अदरक भी ऐड किया हुआ है, करी पत्ता भी आप ऐड कर सकते हैं। फिर वेजिटेबल फ्राई करके हम दलिया, जब पानी गर्म हो जाएगा तो दलिया डालकर ढक देंगे, तो हो गया हमारा वेजिटेबल दलिया। उसके बाद श्यामा लेकर जाएंगे लंच, लंच बॉक्स में देने के लिए मैं यहाँ बीन्स और पोटैटो फ्राई कर रही हूँ, जिस तरह हम लोग बनाते हैं, मस्टर्ड जीरा डालकर, फिर अनियन और ग्रीन चिली, उसके बाद वेजिटेबल डालकर फ्राई कर देंगे, और सूखा मसाले, हल्दी, मिर्ची पाउडर, करी मसाला, सॉल्ट डालकर ढक देंगे। हो गया हमारा बीन्स पोटैटो फ्राई। फिर देखिए यहाँ जो मुझे डॉक्टर ने बोले है, कच्चा केला और पालक को मैं स्टू जैसा एक फ्राई बना रही हूँ, वो स्टू बोले थे लेकिन मैं फ्राई बना रही हूँ। पान पे ले आया हूँ जीरा मस्टर्ड और उड़द दाल को फ्राई करने के बाद प्याज, हरी मिर्च और लहसुन, अदरक भी डाल सकते हैं, फिर कच्चा केला ऐड कर रही हूँ। उसके बाद पालक के पत्ते को छोटे छोटे पीस में कट करके मैं यहाँ डालूँगी, धोकर अच्छी तरह क्लीन करके फिर सॉल्ट ऐड कर देंगे। हो गया हमारा पालक और कच्चा केला का सब्जी। ये बहुत हेल्दी रहता है। इस तरह खान पान का सब मुझे ख्याल रखने के लिए बोला गया है, क्योंकि शुगर थोड़ा आगे आ रहा था, तो ये दलिया का उपमा बन गया है। देखिए मैं खा रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को ये सब अच्छा लग रहा होगा। देखिए अभी मार्केट होकर आ रही हूँ, वॉकिंग भी हो गई है, अभी शाम को 6 बज गया है। तो मैं वॉकिंग गई थी तो मेरे बेटा बोला था कि मामा चिकन लेकर आना, चिकन पकोड़ा या चिली चिकन कर देना, तो चिकन लेकर आई हूँ और 2 अगरबत्ती स्टैंड लेकर आई हूँ, जो अगरबत्ती जलाने के बाद जो आश होता है वो बाहर गिरता है तो अच्छा नहीं लगता, तो इसके अंदर रहेगा। तो ये इस तरह का है,
देख पा रहे हैं यहाँ अगरबत्ती डालेंगे, यहाँ इस तरह लगा देंगे तो अंदर ही रहेगा। ये धूप स्टैंड भी है ऊपर, ऐसा दो लेकर आए हो और दो तीन रूम है तो उस रूम के लिए भी लेकर आएंगे। और ये हुआ केबेज, ये तो आप लोगों को पता ही है सबका फेवरेट होता है मशरूम। तो ये हुआ धनिया पत्ता और मिर्च, हरी मिर्च और नींबू, सब आया है मेरे लिए। तो ये क्रीम क्रैकर, शुगर कंट्रोल रहता है, शुगर फ्री बिस्किट। तो ओट आपको पता है मैं दूध में डाल के खाती हूँ या उपमा बनाती हूँ, कुछ भी, इसका डोसे भी बनता है कभी कभी, बना के मैं दिखाती हूँ। जो डायबिटिक मेरे व्यूअर्स के कोई भी रिलेटिव हो या डायबिटीज से जूझते हैं, तो बॉर्डरलाइन डायबिटीज आया होगा, तो किस तरह की खान पान का चयन करें और किस तरह जो फूड हैबिट रखें वो मैं कभी कभी बताती रहूँगी। देखिए ये मैगी मसाला, पास्ता मसाला और ये चाउमीन मसाला, दो लेकर आई हूँ इसका, चाउमीन मसाला का और मैगी मसाला। ऐसे हर सब्जी में भी लग जाता है, अच्छा लगता है इसका टेस्ट मुझे। और जो सोया चंक्स बनाते हैं उसमें मैं ज़्यादातर मैगी मसाला यूज़ करती हूँ। और ये पास्ता मसाला बेटा तो खाता है, ये आप लोगों को पता है। और ये स्किम मिल्क अमूल का, तो ओट में कभी उपमा या कुछ नहीं बना सकती, टाइम नहीं मिलती है, तो ये यूज़ कर लेंगे। स्किम्ड मिल्क में गर्म दूध, गर्म पानी डाल के हम शुगर फ्री डाल के ओट डाल देंगे, तो हो गया सुबह सुबह का और झटपट सा नाश्ता, जो शुगर पेशेंट रहते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट करता है। और ये एक शुगर फ्री मेरे लिए कॉर्न फ्लोर, ये मैं लूज लेकर आ गई हूँ, ज़्यादा बनता है तो लूज लेकर आ गई हूँ, इतना ही बस। और लास्ट में ये चिकन, बोनलेस चिकन लेकर आई हूँ, बनाते हैं आज चिकन पकौड़ा बना रही हूँ। देखिए जो चिकन मैं लेकर आई थी 500 ग्राम अच्छी तरह धोकर, उसमें टर्मेरिक पाउडर, चिल्ली पाउडर, मीट मसाला, गरम मसाला, फिर सॉल्ट, ये सब ऐड करेंगे। थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट, मेरा तबीयत ठीक नहीं है तो मैं इसे बाहर का यूज़ कर रही हूँ, नहीं तो आप ग्राइंड करके यूज़ कीजिए अच्छा रहेगा। और ये रहा सॉल्ट, फिर धनिया का पत्ता, करी लीव्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा लेमन जूस लेंगे तो फ्रेश लेमन मैं ले रही हूँ, देखिए थोड़ा निचोड़ लेना है, ज़्यादा नहीं, जस्ट टेस्ट को एनहांस करने के लिए दे रहे हैं लेमन का जूस। फिर एक अंडा, उसके बाद दो से चार स्पून तक आपको जिस तरह पसंद है, चार, मैं दो स्पून ही यहाँ यूज़ की हूँ कॉर्न फ्लोर, आपको जिस तरह पसंद है कर सकते हैं। फिर उसके बाद अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम डीप फ्राई कर लेंगे सबको। इस तरह पकोड़ा बनता है, इसको भी आप बाद में चिली चिकन भी बना सकते हैं, कैप्सिकम, अनियन और टोमेटो सॉस इस सब डालकर, मैं लेकिन ऐसे ही प्लेन बना रही हूँ तो स्वयं खाएंगे, इस तरह ही उनको पसंद होता है। मैं सॉस के साथ, मेयो के साथ उनको सर्व कर रही हूँ। तब तो बन गया वो चिकन पकोड़ा, अभी बना रही हूँ मशरूम, मशरूम बहुत प्लेन फ्राई करूँगी क्योंकि चिकन तो मैं ज़्यादा नहीं खा सकती, इसीलिए बना रहे हैं, देखिएगा। देखिए यहाँ मैं अभी मशरूम फ्राई कर रही हूँ, ये डिनर का रूटीन शेयर कर रही हूँ, सुबह तो जो बना था मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, अभी मशरूम फ्राई कर रही हूँ। कढ़ाई में ऑयल लेकर जीरा मस्टर्ड देने के बाद, उसके बाद हम प्याज हरी मिर्च भून लेंगे, उसके बाद बटन मशरूम और धनिया का पत्ता ऐड करेंगे, उसके बाद जो सूखा मसाले जैसे टर्मेरिक पाउडर, अभी सॉल्ट ऐड की हूँ, टर्मेरिक पाउडर, चिल्ली पाउडर, करी मसाला देकर ढक देंगे। पानी देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मशरूम वैसे ही पानी छोड़ता है, तो उसी तरह पानी जब सूख जाए अच्छी तरह हो जाएगा, बहुत अच्छा लगता है इसे ड्राई फ्राई खाने के लिए। अभी देखिए मैं माइक्रोवेव क्लीनिंग दिखा रही हूँ, तो प्रीम का मैं क्लीनिंग वाइप लेकर आई थी, उसको मैं क्लीन कर रही हूँ, देखिएगा। नहीं तो आप एनी डिटर्जेंट, लिक्विड डिटर्जेंट लेकर, थोड़ा सा लेकर स्पंज में
आप अंदर थोड़ा लगा के साफ कर सकते हैं। इस तरह मैं पहले करती थी, लेकिन अभी तो क्लीनिंग वाइप आ गया है प्रेम का, तो मैं इस तरह कर रही हूँ। इसको हम हफ्ते में एक बार तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें गर्म करते हैं तो जो खाने का जो फूड पार्टिकल्स यहाँ रह जाता है, उसके बाद बहुत ख़राब लगता है। और ज़्यादातर तो ये माइक्रोवेन यूज में आ जाता है, जब हम गर्म करते हैं कुछ चीज़ें या कुछ फ्राई करते हैं, पानी गर्म करते हैं, तो पापड़ में ज़्यादा यहाँ फ्राई करती हूँ। तो मैं वीकली एक बार इस तरह क्लीन करती हूँ। आप देखिए, अब पहले भीतर की मैं कर दी हूँ, और उसका जो एसेसरीज रहता है, रिंग और ग्लास प्लेट निकाल के धोकर रख दूँगी। अभी सब क्लीन कर रही हूँ। बाहर का भीतर का सब जो ऑयल का छींटे थोड़े पड़ जाता है, क्योंकि गैस के साइड है तो थोड़ा ऑयल का पार्टिकल्स यहाँ लग जाना स्वाभाविक है। तो मैं इस तरह वॉश करती हूँ, आप लोगों के साथ ये क्लीनिंग प्रोसेस शेयर कर रही हूँ। आपको अच्छा लगा तो आप फॉलो कर सकते हैं, और कैसा लगा मुझे बताइए। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे सब्सक्राइब करिए मेरे ये चैनल को, और सब्सक्राइब करके मुझे मदद कर दिया कीजिए। मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों के लिए वीडियो बनाना। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये हो गया फाइनल लुक हमारा माइक्रोवेव का। शायद पानी ख़त्म हो गया है, एक्वागार्ड से फिर पानी रखना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा है, चल जाएगा आज रात को शायद, नहीं तो पानी सुबह सुबह सबको ज़रूरत हो जाती है, और इसमें भी भरना है। तो मैं सोने से पहले ही यहाँ पर पानी रखने से क्या होता है, गर्म पानी मिल जाता है सुबह सुबह, थोड़ा सा स्विच ऑन कर दो और फिर गर्म पानी पी लेते हैं। तो इसमें ख़त्म हो गया तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इस यहाँ से ही सबको कंटेनर में ट्रांसफ़र करते हैं हम, माने जो एक्वागार्ड से पानी रखना पड़ता है। तो थोड़ा मुझे तकलीफ भरा लग रहा है, क्योंकि इतना अच्छा नहीं है तबीयत, तो ये खड़े रहकर ये सब काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ जो मशरूम डाले थे सुबह, क्या हुआ था, जो कच्चा केला का सब्जी मैं बनाई थी, भूल गई, यहाँ चढ़ा के चली गई। वहाँ से जब आई तो देख रही हूँ कि नीचे लग गया था। यहाँ दूध डाली हूँ, आज इवनिंग में ही सब काम हो रहा है, इसको धोने के लिए डाल देते हैं। देखिए, यहाँ स्वयं बेटा हमारे प्यारा जनाब क्या कर रहे हैं, मिल्क शेक बना रहे हैं। मैं पूछ रही हूँ, उनसे बात कर रही हूँ, देखिएगा आप लोग, एंजॉय कीजिएगा। क्या क्या डाला है आपने? दो कैडबरी चॉकलेट, मतलब पूरा नहीं, जो क्यूब्स नहीं, वो दो क्यूब्स, और थोड़ा सा वो जो हर्षी का सिरप नहीं, थोड़ा सा, और चॉकलेट सिरप, हाँ, और जो चार स्पून चीनी, और आई थिंक एक ग्लास दूध, और थोड़ा सा पानी। दो कप दूध, बिस्किट, ओरियो बिस्किट्स, ओरियो बिस्किट्स। ये क्या है बना रहे हो आप? ओरियो शेक? नहीं, ओरियो शेक नहीं है, ये सिर्फ मिल्क शेक है। मिल्क शेक, अच्छा, प्लेट में रखो तो अच्छा। कैसा लग रहा है? अच्छा, वाह, कितना आनंद है। देखिए, 11 बजे रात को वहाँ क्लॉक है, आपको दिख रहा होगा उधर, देख पा रहे?
अभी देखिए मैं फिर से चिकन पकौड़ा तल रही हूँ। मेरी बेटी अभी ऑफिस से आए हैं, आज उनका कुछ काम था ज़्यादा टाइम तो लेट हो गया आते आते, तो मैं ये बनाकर उनके लिए डिनर सर्व कर रही हूँ। उसके बाद मैं एडिटिंग में बैठ जाऊँगी और हो सके तो आज मैं अपलोड कर दूँगी, नहीं तो मैं कल सुबह करूँगी। दीपिका जी आप बोले थे ब्लॉग डालने के लिए, मैं आपके लिए डाल दी हूँ। देखिएगा किस तरह मेरा ये ब्लॉग लगा आपको, तो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज। मैं सबको बोल रही हूँ लाइक कर दीजिए। आपको कैसा लगा बताइए, थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करके मेरा नोटिफिकेशन पाते रहिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, फिर ऑल ऑप्शन पर जाइए। ऑल ऑप्शन पर जाने के बाद ही मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, नहीं तो वो पर्सनलाइज हो जाता है और बाद में नोटिफिकेशन नहीं मिलता। और मेरा तो तबीयत अभी अच्छा हो गया है, अभी ब्लॉग देने की कोशिश करूँगी। मेरे साथ बनी रहिए, मुझे प्रोत्साहन देते रहिए, एनकरेजमेंट मिलने पर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं वीडियो डालूंगी और कल एक नया शानदार वीडियो के साथ मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी स्टे सेफ। नमस्कार, जय जगन्नाथ।